ब्रेक बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़े के तार यूपी से जुड़ने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ गया है। इसमें सॉल्वर से लेकर मेडिएटर तक की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर तक शामिल हैं और ये सिलसिला फिलहाल रुकता नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़े में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश से इसके तार जुड़ने के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। अब ग्वालियर एसआईटी ने इलाहाबाद से सॉल्वर मनोज कुर्मी को गिरफ्तार किया है। मनोज ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 2009 बैच के छात्र संजय सिसोदिया की जगह परीक्षा दी थी। इसके लिए दलाल प्रभात चौधरी ने मनोज को 50,000 रुपए दिए थे। दलाल प्रभात चौधरी और संजय पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी ने आज पीएमटी फर्जीवाड़ा कांड में आरोपी मनोज सन ऑफ रामनिधि सिंह कुर्मी को गिरफ्तार किया है। ये इलाहाबाद का निवासी है और अभी वर्तमान में लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2010 बैच का छात्र है। छतरपुर एसआईटी ने भी यूपी से दो गिरफ्तारियां की हैं। पहली गिरफ्तारी मिर्जापुर से डॉक्टर अग्र विक्रम सिंह की हुई है तो दूसरी गिरफ्तारी गोरखपुर से डॉक्टर गौरव शाही की। दोनों पर मीडिएटर की भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस ने इन पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस ने गौरव को संरक्षण देने के आरोप में उसके पिता चंद्रशेखर शाही को भी गिरफ्तार किया है। इनको कल गिरफ्तार किया गया है। लगातार हमारी पार्टियां उत्तर प्रदेश दावे दे रही थी, आरोपियों के द्वारा समर्पण किए गए हैं। 2 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी इसमें कुछ लोग फरार चल रहे हैं। धार से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इंदौर एसआईटी ने धार से मेडिकल छात्र